बहुत सुंदर एपिसोड है, देहात्मवाद क्या है। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देहात्म का मैं संधि विच्छेद करता हूं, देह प्लस आत्मा। देखिए कि देह का मतलब शरीर और आत्मा का मतलब प्रभु। आत्मा का मैं बोल रहा हूं, ये कौन बोला रहा है? ये आत्मा है। और कौन बोल रहा है? ये सुवन राज रूपी शरीर बोल रहा है। बोलने वाला अलग है, बुलाने वाला अलग है। जो बुलाने वाला है वह आत्मा है, बोलने वाला देह है, देह जड़ है। स्वयं आत्मा है शुद्ध स्वरूप के अंदर, वह तो अशरीरी है, वह तो मुक्ति में रहने वाला है। वह तो जो है वह सुख का धाम है, अक्षय सुख वाला है, उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन ये जो भोगने वाला ये शरीर है, इसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है, धूप और छांव की तरह ही आता है। तो दोनों को हम संधि विच्छेद करने पर देह और आत्मा दो चीजें हमारे सामने आई, और दोनों की नेचर अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है, और अलग अलग गुणों वाले भी आपस में देहात्म रूप में रहते हैं। जो आज अपने सामने, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये देहात्म है। देहात्म सोच भी रहा है, बोल भी रहा है, कर भी रहा है, क्योंकि इसके पास में तीन बड़े साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं? मन है, वचन है और काया है। These three powerful tools are there with this body to execute every activity of this world in which we are living, in the society in which we are living, in the family in which we are leading our life, in the world, in the cosmos in which we are leading our whole life. तीन चीजें मुख्य होती है, एक मन होता है, एक वचन होता है, ये काया होती है, ये देह में होती है। हमें देह और आत्मा को सांगोपांग अध्ययन करना है। यही आज हमारा एपिसोड है कि देह और आत्मा मिल गए हैं, लेकिन अलग अलग है। देखिए, आत्मा कभी भी देह नहीं हो सकती, देह कभी भी आत्मा नहीं हो सकती है। ये फंडामेंटल ट्रुथ आपको जानना है, और यही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, यही सबसे बड़ा आत्म ज्ञान है, और यही हमारा आत्म विज्ञान है। यही हम आपको देना चाहते हैं। यही वेद विज्ञान है, यही वीतराग विज्ञान है, यही अक्रम विज्ञान है, और ये मोक्ष विज्ञान है। अगर आप जीवन से तरना चाहते हो, अगर शाश्वत सत्य को जानना चाहते हो, आप कुदरत के कानून को जानना चाहते हो, देहात्मवाद को समझिए। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको आप ध्यान से समझना। देखिए, देह में तीन चीजें होती है, और देह स्वयं जड़ है। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह जड़ कहलाता है। और गलन मिलन धर्मा होता है। देह में अपने आप के अंदर या जड़ में अपने आप में कोई फीलिंग्स नहीं होती, और उसके अंदर ना कोई तरह का जो सुख दुख होता है, ना कोई प्रजनन होती है, ना कोई ग्रोथ होती है। वह तो एक जड़ का टुकड़ा है। लेकिन देहात्म में देखिए कि ये जड़ होते हुए भी चेतन का काम कर रहा है, ये हाथ हिला रहा है, ये बोल रहा है, ये सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, ये फीलिंग्स कर रहा है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि जड़ के साथ चेतन मिला है। चेतन मुख्य बात है, चेतन इज ए प्राइमरी थिंग। तो हमने जड़ की परिभाषा की, चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। इसके 23 नाम हैं। किसी भी नाम से पुकारिए,
मूल बात यह है कि चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। इसकी 9 करैक्टरिस्टिक बताई गई है। प्रजनन होती है, ग्रोथ होती है, फीलिंग होती है और सुख दुख की अनुभूति होती है। और इसको विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के 9 करैक्टरिस्टिक बताए हैं। दोनों को पास पास रखो तो बिल्कुल एक से लगते हैं। इसका मतलब कॉन्शियसनेस और आत्मा एक है, विज्ञान सम्मत है, आत्मा को विज्ञान ने भी माना है।